हाई मोहम्मद आलम हाई नेहू चौधरी हाव यू हाई युक्ति शुक्लाई एवरी वन एक बार धुआधार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए आयुष्य तिवारी हाई एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्टूडेंट्स फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो धुआधार तरीके से सेशन को शेयर कर दो और हमारी वो पुरानी लाइन बोलते हैं कि कुछ करना है कुछ करना है तो डट कर चल कुछ करना है तो डट कर चल तोड़ा दुनिया से हट कर चल लीग पर तो सब चलते हैं कभी इतिहास पलट कर चल बिना लक्ष्य के मुकाम कैसा बिना मेहनत के नाम कैसा जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राही आराम कैसा अर्जुन सा निशाना रख अर्जुन सा निशाना रख मन में ना कोई बहाना रख जब तक लक्ष्य सामने है बस उसी पर ठिकाना रख बस उसी पर ठिकाना रख स्टूडेंट्स ठीक है यहाँ पे मैं आपके कमेंट देख पा रही हूं और यहां पे कोई बच्चा कह रहा है अरे यार थैंक यू नायरा थैंक यू सो मच तो भाई अः यहाँ पे पैसिफिक इंडिया का कहना है भाई पांडे हो गए आप मुसलमान वाली आ, क्यों कह रहे हो देखिए मैं एक टीचर हूँ ठीक है और टीचर का कोई रिलीजन नहीं होता वो हिंदू भी होता है वो मुस्लिम भी होता है वो सिख ईसाई सब होता है सारे धर्म को बिलोंग करता है एंड एज अ टीचर मेरा ये मानना है कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन वी शुड हैव फेथ इन एवरी रिलीजन वी शुड लव एवरी रिलीजन और हमें सारे के सारे यू नो you know, सब हमारे क्या है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई तो मेरा तो ये मानना है अब आपका जो मानना है वो आप मानिए ठीक है गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग स्टूडेंट्स गुड इवनिंग हाँ आज बोर्ड पे कैसे आज एक स्पेशल यू नो सेशन था यहाँ पर एंड आई वांटेड एंड आई सीरियसली वांटेड कि चीजों को हम इस तरीके से सारा इंप्लीमेंट करें ठीक है ओके जस्ट वेट अ सेकंड यार यहां पे क्या चल रहा है वो जस्ट वेट अ सेकंड गाइस अच्छा ये है तो सो so, स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को देखेंगे तो सबसे पहले आज हमारा वीकली करंट अफेयर सेशन है और वीकली करंट अफेयर सेशन में व्हाट वी नीड इज दैट कि हम यहाँ पर जितने भी हफ्ते भर में हमने सारे करंट अफेयर्स को कवर किया है वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बोले तो व्हाट कि यहाँ पर हम अरे यार ये क्या हो रहा है चलो ठीक so, है पे हम क्या कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं सबसे पहले जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट सेकेंड ऑफ ऑगस्ट थर्ड ऑफ ऑगस्ट फोर्थ ऑफ ऑगस्ट ऑफ ऑगस्ट और 6th of August की जितनी भी सारी चीजें हैं वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे ठीक है बेटा जय श्री राम जय श्री राम ठीक है पैसेफिक इंडिया खुश हो तुम तुम खुश रहो तो दुनिया खुश है ठीक है तो भाई यहां पे हम कवर करने वाले राइट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट

डेली अफेयर्स की क्लास वो आपको पता है रोज सुबह बजे होती है एम पर होती है बेटा और ये होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे ये आपकी कब होती है मंडे टू फ्राइडे होती है और जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो हमारी होती है सैटरडे को जिसमें हम क्या करते हैं बेटा जिसमें हम क्या करते हैं जिसमें हम हफ्ते भर के जितने भी करंट अफेयर्स है उनको हम कवर करते हैं तो बेसिकली जो हमारे सीयूईटी के बच्चे हैं जिनका एग्जाम है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो हो जाता है यहां आ, के हो है है पर ठीक रोमा कुमारी केमिस्ट्री के एनालिसिस रहा अभी तक आ, ओके मतलब लेट इट गो ऑन आप लोग देख सकते हो उसको बाद में भी देख सकते हो अभी ये पे क्लास पे फोकस कर लो त्रिशा हाई त्रिशा आर यू हाई एवरी वन बिल्कुल एक बार फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं ठीक है आप लोग एनालिसिस में देख लेना अभी आप फोकस करिए अपनी क्लास पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स की हमारा सी के सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और अभी हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है जो ऑफ ऑफ को को है 5th को यहां पर, uh, you know, है पर यू नो बैच और फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट की बैच में बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया इट इट इज अ रैपिड रिविजन बैच बेसिकली अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है अब हमें करना है रिविजन लास्ट मोमेंट पे जो रिविजन होता है मतलब इलेवेंथ ऑफ ऑगस्ट से लेकर ट्वेंटी तक

आप परचेज कर सकते हैं यू हैव टू यूज द कूपन कोड यू हैव टू यूज कूपन कोड कैपिटल यूज करना है मैक्सिमम कर डिस्काउंट के लिए ठीक है इस कोड को आप यूज कर लीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम आज की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यू नो सेशन की बात करेंगे जो हमारा वीकली करेंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे ठीक है तो uh, गुजारिश है कि आप लोग फटाफट से, से सेशन को शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा इट इज द ऑफ फॉर योर एग्जाम्स क्लियर है चलिए तो थोड़ा मैं मैसेज देख लेती हूँ निशी ठाकुर नेहू चौधरी हम्म शुभम कुमारी नहीं बेटा तुम तुमको क्यों भूलेंगे हम विशाल uh, यादव मोहम्मद आलम लेट्स स्टार्ट विद सेशन ऑफ से हमसे बच्चे जुड़ते रहेंगे आई नो की केमिस्ट्री की एनालिसिस चल रही है बट आप थोड़ा सा फोकस करेंगे करंट अफेयर सेशन पे वीकली करंट अफेयर सेशन पे क्योंकि यहाँ पर हम सारे हफ्ते की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और साथ ही जिन बच्चों का छूटा है वो भी कवर कर लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपको आगे चल के पता चलेगा क्लियर है चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है Pacific Dragon ballistic missile defense exercise is a bilineal drill held between the three major countries. Which country is not the पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज कौन सी कंट्री है जो इस एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है बेटा बताइए तो पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा अभ्यास तीन प्रमुख देशों के बीच आयोजित एक द्विवर्षीय अभ्यास है कौन सा देश इस अभ्यास का हिस्सा नहीं है फटाफट से आंसर करेगा वॉट विल बी दी राइट आंसर बहुत मजा आ रही तुम लोगों को है पूजा शुक्ला और अनिमेश आपस में ही बात करने में लगे हुए हैं शिवम सिंह हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काजल को काहे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हो इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए योर आंसर हियर विल बी योर आंसर हियर विल बी डी दैट इज फिलिपींस योर आंसर विल बी फिलिपींस क्लियर है अभी हम जानते हैं जापान की इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है शिंजो अबे ठीक है शिंजो अबे का हाल ही में निधन हो गया है ठीक है ये क्या थे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे आई होप दिस इज क्लियर टू यू ठीक है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने आपको पढ़ा भी दिया है डिटेल में एनालिसिस डेली करेंट अफेयर सेशन में आप मुझे बताइए कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है ठीक है यहाँ के बेसिकली हेड बता दीजिए प्रेसिडेंट छोड़ो यहाँ के हेड बताओ हेड कौन है ठीक है यहाँ के हेड बताइए यहाँ के हेड कौन है फटाफट से हु इज फिलीपींस बताइए फटाफट से बताइए स्टूडेंट्स हु इज़ द हेड ऑफ फिलिपींस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बताइए मैंने आपको बताया था यह चीज आंसर विल बी मार्कोस एम ए आर सी ओ एस बी मार्कोस हम बोल सकते हैं ठीक है बी मार्कोस हम बोल सकते हैं तो ये हमारे फिलीपींस के हेड है। -फट हैं क्लियर है बेटा बिल्कुल थैंक थैंक यू सुशीला देवी लिकम्बम जिसे हम लिकम्बम भी बोलते हैं तो सुशीला देवी लिकम्बम है इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल हमारे प्यारे भारत इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में और किस में जीता है बेटा जूडो में जीता है तो किस कैटेगरी में जीता है आपको आपको पर पर बताना बताना है 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 मतलब पे कौन कौन सी 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 कैटेगरी कैटेगरी वह ए बी डी में जिसमें जीता एक चीज मैं चाहूंगी कि हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात आई है तो कॉमनवेल्थ जैसे कि हम जानते हैं बेटा इंग्लैंड में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है अब इंग्लैंड में कहा पर ऑर्गेनाइज हो रहा है इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज हो रहा है बेटा बिर्मिंगम में मैं मुझे लगा कि यहाँ पे लिखा होगा बट नहीं लिखा था बेटा में यहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है कहां पर है बिरिंगम इंग्लैंड में है क्लियर है कब से कब तक ऑर्गेनाइज होगा ट्वेंटी एट्थ ऑफ जुलाई ट्वेंटी एट्थ ऑफ जुलाई से स्टार्ट हुआ है और कब तक होगा बेटा ये होगा एट ऑफ एट ऑफ ऑगस्ट तक 8th ऑफ अगस्त तक क्लियर है कितने नेशंस इसमें पार्ट कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है बेसिकली 72 कंट्रीज इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं ये चीज आपको याद रखना है ठीक है बहुत लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है इस पे हम यहाँ पे डेडिकेटेड सेशन आपको कल आपको देखने को मिलेगा इस पे मैं यहाँ पर आपके पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरे बेटा यहाँ पे पूरे कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स का अभी तक जिन्होंने जीता है उसको मैं यहाँ पर कल आपको वीडियो के थ्रू सारा कुछ समझा दूंगी कि, कि किस तरीके से सारी चीजें हैं क्लियर है आई होप दिस इज क्लियर टू यू इसका आंसर यहाँ पर डी होगा बेटा 48 एट के जी तो यहाँ पर जो डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है विनायक शुक्ला बेटा, बेटा बी नहीं होगा इट विल बी डी इट विल बी डी क्लियर है आई होप दिस इज क्लियर टू यू बिल्कुल बिट्टू हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स सो कैसा लग रहा है मुझे बोर्ड पे देख के अभी तो मैं यहाँ कोने में बैठी रहती थी और आपको बड़ा मजा आता था देखने में सो हाउ आर यू फीलिंग कैसी फीलिंग है अंदर से कुछ बताइए कैसा लग रहा है वैशाली मैम को बोर्ड पे देख के बताइए स्टूडेंट्स ओए होए हैप्पी टू सी यू ना आर्य श्रीवास्तव बोल रहे मैम बोर्ड पे बहुत बढ़िया हैप्पी टू सी यू ओके चलिए तो मजा आ रहे हैं आप लोगों को बताइए मजा आ रहा है मुझे तो बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ चाहे मैं वैसे पढ़ाऊं चाहे मैं वैसे पढ़ाऊँ दोनों में मुझे बहुत दिल से खुशी होती है पता है स्टूडेंट्स आप लोग से ना कनेक्शन है और वो कनेक्शन कभी भी नहीं आ, आ, मतलब ओवर हो सकता है बिकॉज ये मेरा यू uh, नो you know, uh, ये बाय चॉइस मैंने प्रोफेशन इसको यू uh, नो you know, अपनाया है तो uh, बाय चॉइस प्रोफेशन अपनाया है मतलब मैं इस प्रोफेशन से बहुत प्यार करती हूँ ठीक है और उतना ही प्यार ये प्रोफेशन कैसे बनेगा जब आप और हम मिलेंगे है ना इसीलिए आपसे बहुत ज्यादा uh, मतलब मुझे लगाव है हमेशा रहता है ठीक है हर एक बच्चे का कंसर्न रहता है इवन आज भी मेरे पास कितने सारे मैसेजेस आए थे कि मैम एग्जाम पोस्टपोन हो गया एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं ठीक है कि बच्चों का कंसर्न है

Uh, जारी लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक का आपको यहाँ पे नाम बताना है तो पुस्तक के लेखक कौन है फटाफट से आंसर करिएगा हाँ मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे मेरा क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है मेरे मुझे जज किया जा रहा है आप क्वालिफिकेशन <laughs> बेटा आई एम बीटेक ठीक है मैं मतलब बेसिकली मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से और फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्रैक किया हुआ है यहाँ पर और मैं आ, लेकिन मेरा हमेशा से शौक था कि मुझे टीचि टीचिंग में जाना है मुझे मुझे पढ़ाना है पढ़ाने का हमेशा से था और मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड एरिया जो मैं पढ़ाती हूँ वो लगता है तो इसी वजह से दिल से पढ़ाते हैं और दिल से आप लोग तो पढ़ते हो है ना चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा योर आंसर बी दास दास राइट आंसर तो पर के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी लॉकडाउन लिरिक्स ये पुस्तक के लेखक का नाम बताना है इट इज संजुक्ता दास मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस करवा दी है बेटा डेली करंट अफेयर सेशन में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फटाफट फड़ से आंसर बताइए मैम बहुत क्यूट लग रहे हो आप थैंक यू सो मच यही देखो पढ़ो लिखो ना तुम लोग हैं आज कुछ ज्यादा ही हा शिवांश द्विवेदी

ठीक है, वॉशिंगटन डीसी साथ साथ ही वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में और वो कौन सा है वो है आपका आई एम एफ दैट इज इंटरनेशनल मोनाटरी फंड ठीक है बेटा इंटरनेशनल आई एन टी आर एन ए टी आई ओ एन ए ए International Monetary Fund, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका भी हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर जो है बेटा ये वाशिंगटन डीसी में है ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Which of the following smart city is first in India to get the Google Environment Insights data? फटाफट से आंसर करिएगा इसका आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल के पर्यावरण अंतर दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाला पहला शहर है तो मैं यहां पर आपके कमेंट्स देख पा रही हूं इसका कौ... इसका हूँ फटाफट से, फटा फट से, फटा फट से, फटा फट से स्टूडेंट सेशन को शेयर कर दो लाइक कर दो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया करो अमित अच्छा जी चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा एनिमेश लेक्सिकॉन बोल रहे हैं अमित ठाकुर शिवांश शिवांश द्विवेदी आपके मुंह से अच्छा लगता है हैप्पी बर्थडे मैम आदित्यांश मेरा आज बर्थडे है तुमको लगता है आज बर्थडे होगा चलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा योर आंसर हियर विल बी ई दैट इज औरंगाबाद स्मार्ट सिटी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी औरंगाबाद कहाँ पे है बताइए फटाफट से बताइए वेयर इज औरंगाबाद वेयर इज औरंगाबाद बताइए स्टूडेंट्स औरंगाबाद का मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ वेयर इज औरंगाबाद औरंगाबाद कहाँ पे है बेटा ये महाराष्ट्र में है ठीक है अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अभी हाल ही में बेटा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है श्री एकनाथ शिंदे श्री एकनाथ शिंदे ए के एन ई टी एच एक नाथ शिंदे ठीक है ये महाराष्ट्र के बेटा चीफ मिनिस्टर हैं ठीक है महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम कौन है बेटा महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम कौन है मतलब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है उनका नाम यहां पर होगा देवेंद्र आर ए -E -E दे, देवेंद्र फडनविस ठीक है ये आपके बेटा ये डेप्यूटी सीएम है ये देवेंद्र ये आपके डेप्यूटी सीएम है साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर कौन है भगत सिंह कोशियारी हु इज द गवर्नर बेटा हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोशियारी बी एच ए जी ए टी भगत सिंह खोशियारी ठीक है ये आपके महाराष्ट्र के क्या है बेटा गवर्नर है क्लियर है बिल्कुल बिल्कुल सही है महिमा प्रजापति पूजा रानी साहू वेरी गुड नेहा चौधरी सवीर माही वेरी गुड वेरी गुड चलिए सोमी देवनाथ कोशियारी बिल्कुल त्रिशा वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Uh, Sateendra Prakash has been appointed. Satendra Prakash has been appointed as the principal director general of the Press Information Bureau. That is PIB. Theke, PIB. Very authentic, most authentic site. डेलीफ नेशनल करंट अफेयर सो यहाँ पे सत्येंद्र प्रकाश है इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में स्टैब्लिश किया गया था इसका आंसर बताइए फटाफट से हाँ तिशा सिंह मैम आप आज इस टाइम पे क्लास ले रहे हो येस yes, बेटा एक्चुअली uh, सुबह वाली मैम ट्रेवल कर रही थी तो यू नो दैट इज वाई इट टूक टाइम ठीक है इसका आंसर बताइए फटाफट से सो right 1919 so, बेटा इज द राइट आंसर सो सत्य सत्येंद्र प्रकाश को अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल डायरेक्टर पीआईबी का किस ईयर इस में इसको स्टैब्लिश किया गया था यह किया गया था आपके 1919 19 में जो यहां पर आप देख पा रहे हैं ठीक है 1919 में इसको किया गया था क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निर्मला मिश्रा देखो सुनो आ, ये ना एक तरीके का रिवीजन सेशन है ठीक है रिवीजन सेशन है आपने हफ्ते भर में जितनी भी हमारी करंट अफेयर्स पढ़ी हैं उसका एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पे रिवीजन है आराम से आंसर दो चिल मार के आंसर देखो बढ़िया से नहीं आ रहे कोई बात नहीं टू टेल यू बट आराम से आंसर दीजिए रिविजन हो जाएगा ठीक है क्योंकि ऑगस्ट वाले बच्चों के लिए ऑगस्ट की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है सो इसका आंसर बताइए फटाफट से निर्मला मिश्रा हैज सिंगर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस उजेंड ट्वेंटी वन फॉर 2021 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद दट इज आई के वरिष्ठ इंडियोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है इसका आंसर फटाफट फड़ से बता दीजिए वॉट विल बी दी राइट आंसर मैम कल कुछ मैम आठ को पेपर है कुछ पेपर हो गया है कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स कवर करवा दो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है कल सुबह कल सुबह आपका कितने बजे से आठ से दस है ना यस कल सुबह आपकी एट टू टेन एट टू टेन पर आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अभी तक की पूछी गई है उसको कवर करेंगे प्लस ठीक है आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अभी तक की पूछी गई है ठीक है वो कवर करेंगे और प्लस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उसको हम कल के सेशन में कवर करेंगे कल आपकी आठ से दस सुबह क्लास रहेगी आठ बजे एकदम फ्रेश होके बैठ जाना आपके अपने सीट पर ठीक है फिर हम कवर करेंगे ये वाले क्वेश्चन आज आप वीकली करंट अफेयर्स देख लो ठीक है चलिए इसका आंसर क्या होगा योर आंसर हियर विल बी डी दैट इज जेफरी एम जेफ्री आर्मस्ट्रांग है बेटा इनको रिसीव हुआ है इनको मिला है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन्स डिस्कविग्निश्ड यू नो इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर द 2022 क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेडलाइन रखी है कार्ड टोकनाइजेशन की कब तक रख दी है ये आपको यहां पर बताना है तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर फर्स्ट ऑफ नवंबर एंड फर्स्ट ऑफ दिसंबर सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फटाफट से बताइएगा ठीक है प्रिशा मैम सिक्स मंथ्स का करा दो वन शॉट प्लीज ओके बेटा कल वाले सेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में सिक्स मंथ्स का ही रहेगा क्लियर मैम एडमिट कार्ड कब आएगा जिनका आर्ट को है जिनका आर्ट को पेपर है उनका साथ के रात में पता चल जाएगा उनकी उनका पेपर आर्ट को है कि नहीं है क्योंकि एन कुछ भी कर रहा है एन टी एकदम भरोसा करने लायक नहीं है कि बहुत सारे बच्चे परेशान है मुझे कॉल करके करके कर बता कर 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 रहे हैं मैम आज पेपर था यहाँ कर दिया अब और पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो बच्चों के लिए थोड़ा सा दुख की बात यह है कि बच्चे प्रिपेयर करके जाते हैं और एन वाला गेम खेल देता है और एन वालों का काम ही है गेम खेलना तो आप भी गेम खेलो आप भी पढ़ाई करो है ना चलिए इसका आंसर हालांकि मैं एनटीए के पूरा खिलाफ हूं क्योंकि अच्छा नहीं कर रहा है जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है आंसर बी, बी, so, कार टोकनाइजेशन की टू फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू क्लियर है आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू एक बार फटाफट फटा से सेशन को शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए एंड अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव लॉन्च द नीले कानी सेंटर एट ए भारत टू प्रमोट द इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मतलब किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ए भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है वट विल बी दी राइट आंसर फटाफट से बताइएगा शगुन शर्मा बोल रही है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में टीचर कैसे बने मुझे भी नहीं पता बेटा इट वॉज डेस्टिनी ठीक है डेस्टिनी है ये डेस्टिनी क्लियर चलिए इसका आंसर क्या होगा आंसर योर विल बी सी दैट इज आई आई टी मद्रास ई टी मद्रास राइट आंसर सो आई टी मद्रास इंस्टीट्यूट है जिसने लॉन्च किया है नीले कानी सेंटर भारत, ताकि हमारी जो इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जा सके उसको प्रमोट किया जा सके वेरी गुड वेरी गुड साहिल भूमिका देन हर्षदा महिमा वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रियंका चोपड़ा भी हमारे सेशन में आई तुमको पता है प्रियंका चोपड़ा भी हमारे सेशन में आई है, है? है, है अभी सिर्फ प्रियंका चोपड़े ही नहीं आती है हमारे यहाँ वो आते हैं क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी भी आते हैं योगी आदित्यनाथ भी आते हैं हमारे सेशन में अब्राहम लिंकन भी आते थे हमारे हमारे सेशन में तो क्या पता अब बहुत बड़े बड़े मुकेश अंबानी आए थे यार एक दिन है ना रसगुल्ले शॉर्ट्स आए थे हमारे सेशन में है ना एक दिन पता नहीं क्या नाम था उनका आई एम बैक भी आए थे हमारे सेशन में आई एम बैक बहुत सारे लोग हमारे सेशन में आते हैं बहुत बड़े बड़े एकदम नामी नामी लोग आते हैं ऐसे वैसे छोटे मोटे आते नहीं है बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तुमको पता है प्रियंका चोपड़ा और एक दिन आए थे जॉन अब्राहम एक दिन आए थे अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन सारे लोग हमारे सेशन में आते हैं इतना आसान नहीं हल्के में मतलब हमारे सेशन को है ना हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री सो फिडल ठीक है फिडल वाल्रेस राम जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे किस देश के, किस देश देश के के पूर्व राष्ट्रपति थे फटाफट से हाँ ड्राउनी गेमर को चाहिए कि मैम जैकलीन और सनी सनी लियोनी भी हमारे सेशन में आनी चाहिए तुम्हारी तमन्ना कभी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती क्योंकि हम नहीं लेके आएंगे उनको हालांकि कहोगे मैम आपकी क्या मैम आप लेके आओगे चलो इसका आंसर क्या होगा यो आंसर विल बी दैट इज फिलीपींस ठीक है फिलिपींस तो मैंने आपको बताया था फिलिपींस के हेड कौन है बेटा मार्कोस बी मार्कोस बी मार्कोस ये फिलिपींस के हेड है क्लियर है बेटा हाँ और किसको किसको जाना है वियतनाम मलेशिया कंबोडिया चले जाओ चलिए जो मैं मैं आपको नहीं रोकूंगी आप जा सकते हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ अगस्त फर्स्ट ऑफ अगस्त इज डेडिकेटेड टू कॉमेमोरेट विच डे एट ऑल ओवर द वर्ल्ड एनुअली सो पहले अगस्त पहली अगस्त फर्स्ट ऑफ अगस्त पूरी दुनिया पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष किस दिन को मनाने के लिए समर्पित है फटाफट से आंसर कीजिएगा मैम आप आईफोन 13 ले लो प्लीज मुझे आईफोन 13 दे दो यार <laughs> प्लीज आप मुझे आईफोन फोन थर्टीन दे दीजिए ठीक है ये ऐसे कहने से नहीं मैम ले लो दे दो गिव मी आई फोन थर्टीन चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट फड़ से इसका आंसर क्या होगा योर आंसर हियर विल बी डी दैट इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे सो बेटा पहली पहली अगस्त को हम क्या मनाते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे थीम क्या है एक बार कमेंट करके बता दीजिए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लंग कैंसर डे फटाफट से बताइए वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लंग कैंसर डे बताइए आप लोग फटाफट से बताइएगा वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लंग कैंसर डे वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लंग कैंसर डे बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ हा बताइए आप लोग बताइए फटाफट से बताइए क्लोज द केयर गैप क्लोज केयर गैप क्लोज द केयर गैप इस बार का थीम रहा है बेटा किसका वर्ल्ड लंग कैंसर डे का वर्ल्ड लंग कैंसर डे का ठीक है ये देखो कुमार स्वराज बोल रहे मैम आपकी सैलरी कितनी है आज जितने फालतू के क्वेश्चन है सारे कर लो ठीक है इतनी है कि हम आ, हाँ मैम आपकी सैलरी एक लोग मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैम आपकी सैलरी कितनी है मैम आप कहाँ से आते हो मैम आप यहाँ कैसे मैम आप वहां से क्यों नहीं पढ़ाते मैम आप यहाँ से क्यों नहीं पढ़ाते जितने दिमाग में क्वेश्चन आ रहे सब पूछ डालो आज मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी बताइए इसका आंसर क्या होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ़ॉर्म्ड अ टास्क फोर्स टू लुक टू लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ द मंकी पॉक्स इन द कंट्री सो हु इज द द हेड ऑफ़ टास्क फ़ोर्स बताइए इस टास्क फोर्स के हेड कौन है फटाफट से बताइएगा बताइए स्टूडेंट्स आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया है टास्क फोर्स जो लुक करेगा सिचुएशन ऑफ दीप हमारे कंट्री के अंदर आपको बताना है कि ठीक है आपको बताना है कि

बहुत आसान है फटाफट से बताइए और एक चीज और बताइएगा हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला बताइए सो व्हाट कैपिटल कैपिटल ऑफ़ केरला केरला बेटा का क्या है हाँ क्या है कैपिटल <laughs> बिल्कुल वेरी गुड तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ सीएम कौन है बेटा चीफ मिनिस्टर कौन है पिनियारी विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है यारी पिनयारी विजयन ये सीएम है हु इज द गवर्नर ऑफ केरला हु इज द गवर्नर ऑफ केरला फटाफट से बताइए हु इज द गवर्नर ऑफ केरला बताइए हा मैं कमेंट देख पा रही हूं आपके बेटा बताइए हु इज द गवर्नर ऑफ केरला सो यहां पे क्या होगा बेटा आरिफ मोहम्मद खान आरिफ मोहम्मद खान आरिफ खान ठीक है है आरिफ मोहम्मद बेटा ये ये जो गवर्नर है आपके केरला के क्लियर है और चीफ मिनिस्टर कौन है पेरियारी विजयन है पहला मंकी पॉक्स केस कहां पे पाया गया था केरला में पहला सॉरी तो पहला मंकी पॉक्स हमारे इंडिया के अंदर केरला में पाया गया था केरला में पाया गया था बेटा ठीक है मैम मेरा कल पेपर है

ऑगस्ट फर्स्ट इज ऑब्जर्व एज वीमेन राइट डे मुस्लिम वीमेन्स राइट डे क्लियर है मुस्लिम वीमेन्स राइट डे इसी दिन इसी दिन क्या किया गया था ट्रिपल तलाक अब आप इस सेंटेंस को पूरा कीजिए ट्रिपल तलाक को इस दिन क्या किया गया था ट्रिपल तलाक को इस दिन क्या किया गया था बेटा एबॉलिश किया गया था एबॉलिश हटा दिया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा इन्वेस्ट बंगाल दी स्टेट गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग सेवन न्यू डिस्ट्रिक्ट्स सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन दी टाउन नाउ वेस्ट बंगाल ने हमारी जो वेस्ट बंगाल है ठीक है उसकी सरकार ने क्रिएट किया है बेटा सेवन न्यू डिस्ट्रिक्ट ठीक है आपको ये बताना है कि कितने डिस्ट्रिक्स अब हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में होंगे मुझे लाइक यहाँ पे 168 देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे 205 वन फटाफट से आंसर करिएगा इसका आंसर क्या होगा योर आंसर विल बी ए दैट इज थर्टी ठीक है सेवन न्यू डिस्ट्रिक्ट पहले कितने थे ट्वेंटी थ्री थे लेकिन अब जो है थर्टी डिस्ट्रिक्ट हमारे वेस्ट बंगाल में हो गए हैं जरा मुझे कॉमेंट करके ये बताइए कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है सीएम कौन है बेटा सीएम है हमारी ममता बैनर्जी ममता बैनर्जी और गवर्नर कौन फट okay, है वेस्ट बंगाल का बताइए कमेंट करके बताइए हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल फटाफट से बताइए दैट हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बताइए कौन है गवर्नर बेटा ओके टोटल डिस्ट्रिक्ट थर्टी ममता दीदी इनकी देखो इनकी दीदी लगती है रक्षाबंधन में तो मुनि को राखी बांधना इस बार रक्षाबंधन आ रही है ना राखी जरूर बांधना बताइए हाँ बताइए मैंने आपको ये एक चीज तो बताई थी श्री ला गणेशन कौन है बेटा श्री ला गणेशन अरे यार। ये क्या है शीला कमीशन क्या है? गवर्नर है आपके वेस्ट बंगाल के ये थोड़ा सा ही हो गया था ये फंस गया था बताइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंडिया की वेट लिफ्टर है सेवेंटी थ्री के जी रिप्रेजेंटेटिव है ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए सो व्हाट विल बी द राइट आंसर मैम यू आर द बेस्ट टीचर मैम थैंक यू सो मच कुमार स्वराज जी मैम वो दीदी है बांधेंगी राखी हम हमें हम नहीं बांधेंगे अच्छा वो ममता बैनर्जी तुमको आगे राखी बांधेंगी बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल देखो कॉन्फिडेंस लेवल मैम वो दीदी है मैम वो ममता बैनर्जी है वो हमें आके राखी बांधेंगी बहुत बढ़िया स्लो क्लैप्स स्लो क्लैप्स इसका आंसर क्या होगा आंसर विल बी डी दैट इज अंशिता श्योली अंशिता श्योली बेटा ये 73 थ्री के जी रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की वेट लिफ्टर है तो हम जैसा की जानते है कि जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हो रहा है बर्मिंगम में हो रहा है और कब से कब तक हो रहा है ट्वेंटी ऑफ जुलाई से लेके ट्वेंटी जुलाई से ऑब्जर्व किया जा रहा है क्लियर है आई होप दिस इज क्लियर टू यू क्लियर चलिए so, सो ममता बैनर्जी के भैया जी आप इसका आंसर बताएंगे ममता बनर्जी के भैया जी थर्ड इंडिया वियतनाम बायलैटरल एक्सरसाइज एक्स विनबेक्स अच्छा हम गिफ्ट देंगे ममता बैनर्जी जी को बहुत बढ़िया थर्ड इंडियन वियतनाम बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स विनबैक्स दो हजार बाईस ये स्टार्ट कहां पर हो रहा है च, चंडी मंदिर और ये चंडी मंदिर कहां पर है ये फटाफट से बताइए व्हाट विल बी दी राइट आंसर चंडी मंदिर पढ़ाई कर लो थोड़ा सा आंसर क्या होगा बेटा योर आंसर यहाँ विल बी ए दैट इज हरियाणा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा हु इज द सीएम ऑफ हरियाणा चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के बताइए आप लोग बताइए जरा मैं एक बार आप लोग से जानना चाहती हूँ हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा बताइए वेरी गुड मनोहर लाल खट्टर बहुत बढ़िया मनोहर लाल इज गवर्नर ऑफ हरियाणा बताइए गवर्नर ऑफ हरियाणा हरियाणा के गवर्नर कौन है हुईज गवर्नर ऑफ हरियाणा बताइए स्टूडेंट मैंने आपको कितनी बार बता दिया एग्जाम में भी आया था बंदारू दत्तात्रेय हुई इज द गवर्नर बेटा इज गवर्नर ऑफ हरियाणा बंदारू बंदारू दत् राजस्थान के गवर्नर कौन है कलराज मिश्रा राजस्थान के गवर्नर कौन है बेटा राजस्थान के गवर्नर कौन है हु इज दी गवर्नर ऑफ राजस्थान कलराज मिश्रा कौन है बेटा कलराज और चीफ मिनिस्टर कौन है अशोक गहलोत राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे आ, यहाँ पे जो नेशनल पार्क है एक हमारा रंधा भोन नेशनल पार्क है एक आप एक आपका कौन सा नेशनल पार्क है बेटा एक तो आपका रंधा बोन नेशनल पार्क है और एक आपका है क्यू लाडो मैंने बोला था ओ लाडो ओ लाडो करके मैंने बताया था ना तो वो क्यू लाडो नेशनल पार्क है तो ये सारे हमारे यहाँ पर है क्लियर है गुजरात का बताइए गुजरात के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है फटाफट से बताइए गुजरात के सीएम और गवर्नर ये आप बताएंगे कहा आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Who among the following has won the Formula One F1 2022 Hungarian Grand Prix? फटाफट से आंसर करिएगा इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से किसने वन F1 2022 Hungarian Grand Prix जीता है फटाफट से आंसर बताइए मैम एमसीक्यू करते करते ऐसा हाल हो गया कि कोई फादर का भी नाम पूछता है तो हम बोलते हैं ऑप्शन दो बहुत बढ़िया मतलब ऐसे एमसीक्यू जाके दिल में बैठ गए हैं क्या है अच्छा आकाश वर्मा इसका आंसर करिए फटाफट से यहाँ पे आकाश वर्मा का एक यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि मैम जो हमारे गवर्नर हैं ये वेस्ट बंगाल के वो कौन हैं अभी तो यहाँ पे मैं इनका क्लियर कर दूं इनका डाउट बेटा शीला गणेशन ही है ठीक है? वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है शीला गणेशन एकदम सही है ला गणेशन इज द राइट आंसर जगदीप धानकर पहले थे लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं अब उनकी रिटायर कह रही हूँ वो हट चुके हैं और उनकी जगह ले ली है शीला गणेशन ने ठीक है बेटा

ग्रुप की चेयरपर्सन है इनका नाम क्या है सावित्री जिंडल ये बन चुकी है एशिया के रिचेस्ट women, एशिया के रिचेस्ट women जिन्होंने चाइना की यांग वान को रिप्लेस किया है रोशनी नादर कौन है बेटा ये एच सी एल ये एच सी एल की सीईओ है ये एच सी एल की सीईओ है ठीक है क्लियर है

ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट -फड़ से धुआधार तरीके से कवर करेंगे विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली टॉपड इन होल्डिंग असेंबली सेटिंग इन 2021 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में 2021 में विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए शीर्ष पर है तो शीर्ष पर कौन है बेटा इसका आंसर होगा डी दैट इज केरला केरला उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ठीक है योगी आदित्यनाथ है चीफ मिनिस्टर ठीक है वेस्ट बंगाल की कौन है बेटा ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है ममता बनर्जी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अभी मैंने आपको केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम बताया था हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला मैंने अभी आपको बताया था कि केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है श्री पिन्यारी विजयन, श्री पिन्यारी, श्री पिन्यारी विजयन यहां बात आती है गवर्नर की तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है बेटा बताइए उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है यो आ, ये आनंदी बेन पटेल वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है ला गणेशन राजस्थान के गवर्नर कौन है कलराज मिश्रा और केरला के गवर्नर कौन है कमेंट करके आंसर बताइए कि केरला के गवर्नर कौन है केरला के गवर्नर कौन है फटाफट फड़ से आंसर बताइएगा हु इज द गवर्नर ऑफ केरला बताइए हु इज दी is इज governor ऑफ केरला बताइए स्टूडेंट्स हु इज द गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान तो ये चीज आप क्लियर हो गई होगी ठीक है बेटा क्लियर है ठीक है वेरी गुड तो ये आपके सीएम और गवर्नर है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बेटा ठीक है याद रखिएगा अभी हाल ही में भी पूछे गए हैं स्टेट ये जो है चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए और ये आपके एग्जाम से पूछे गए हैं क्लियर है मैम ग्लाड टू सी यू ऑन मैम चलिए ठीक है पिनियारी विजन क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स

आप पे फटाफट से बताइएगा व्हाट विल बी दी राइट आंसर किसको नामित किया गया था ऑपरेशन विजय ऑपरेशन विजय को यहाँ पर नामित किया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु अमंग दी फॉलोइंग हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर बहुत आसान क्वेश्चन है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बताइए निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है आंसर विल बी संजय अरोड़ा आंसर यहां पर क्या होगा बेटा आंसर हियर विल बी संजय अरोड़ा संजय अरोड़ा की बात करेंगे ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं 98 9088 बैच के ऑफिसर हैं कौन सा कैडर था इनका कैडर था बेटा तमिलनाडु इनका कैडर कौन है तमिलनाडु ठीक है इनको बना दिया गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर सुनील अरोड़ा को इनको संजय अरोड़ा को बना दिया गया hope, है दिल्ली पुलिस कमिश्नर आई होप क्लियर है बेटा बताओ क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फोर्थ एडिशन द फोर्थ एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाहा फोर्थ इज बिटवीन क्वांटिजेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड हुम किसके बीच में है बेटा बताइए किसके बीच में है ये बताइए फटाफट फड़ से बताइए इसका आंसर क्या होगा यंसर यह विल बी डी दैट इज ओमान ओमान का कैपिटल क्या है बेटा ओमान का कैपिटल है मुस्कैट मूस मूस नहीं नहीं है 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 ये ये ट ना कि मूस है और ना कि ना ही कैट है ना ही मूस है और ना ही कैट मूस को चूहा कहते हो ना देहाती भाषा में चूहा बोलते हैं ना ही मूस है और ना ही कैट बिल्ली है ना ही चूहा ना ही बिल्ली है इसका नाम है मुस्कैट दोनों का कॉम्बिनेशन है ये मूस का मूस भी है और कैट का कैट तो है ही है तो मूस और कैट क्लियर है तो इसका नाम क्या है बेटा मुस्कैट है क्लियर है तो ये मुस्कैट क्या है मूस और कैट क्लियर हाँ करेंसी क्या है फटाफट फड़ से बताओ करेंसी क्या है बेटा ओमानी रियाल ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है ओमानी ओमानी रियाल तो उन, ओमान उना ओमान उना, से तो याद हो गई तो ओमानी रियाल ओमान से क्या है ओमानी और रियाल ठीक है <coughs> बताइए क्लियर है हाँ बहुत बढ़िया हां जी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु अमंग दी फॉलोइंग क्लेस्ट इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2021? तो बहुत ही नेचुरल सी चीज है मीराबाई चानू आंसर विल बी मीराबाई चानू इसका आंसर या, क्या होगा ए होगा मीराबाई चानू तो भाई माइक रहा है। so, मीरा भाई है सो चानू बेटा ये पहली गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की क्लियर है हाँ, मैम आपका नाम क्या है मेरा नाम है वैशाली पांडे वैशाली पांडे मेरा नाम क्या है वैशाली पांडे है और मेरा कूपन कोड है जब भी कुछ परचेज करना ये वाला कूपन कोड यूज कर लेना कैपिटल वाई फोर फाइव फाइव ठीक है ये मेरा कूपन कोड है ठीक चलिए कैंसिल हो गया एग्जाम यहाँ एक लोग बोल रहे हैं इबर अंजुम पता नहीं कौन है बोल रहे मैम आपने फेस पे तो सर्जरी तो नहीं करवा ली मैम आपने फेस पे सर्जरी तो नहीं करवा ली टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस एक मिनट मुझे दे जरा सक्षम वाजपेयी क्या मैं ब्लॉक कर दू बेटा सक्षम वाजपेयी क्या मैं ब्लॉक कर दू तुम्हें बताओ So so बेटा चलिए देखते हैं विश्व सप्ताह बाईस का विषय क्या है फटाफट से आंसर करना वट विल बी दी राइट आंसर आठ वाला एग्जाम पोस्टपोन हो गया बाईस को हो गया अच्छा जी यार मतलब अलग आल, पांडे सर की बहन है मैम अच्छा इसका आंसर क्या होगा योर आंसर या विल बी डी दैट इज स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट एक बार मुझे बताइए कमेंट करके कि ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है कब से कब तक मनाया गया है बताइए ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक मनाया गया है ब्रेस्ट फीडिंग वीक बताइए स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया था ये कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से लेके सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट तक हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लियर है क्लियर है मैम uh, मेरा भी पोस्टपोन हुआ गया एग्जाम ट्वेंटी थ्री को बहुत बढ़िया ट्वेंटी थर्ड हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन <clears throat> कब से कब तक मनाते हैं तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट टू सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट तक मनाते हैं क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Identify the new slogan for the Olympic and Paralympics Games Paris uh, 2024 that was revealed in July 2022. July the 2022, 2020, Olympic Paralympics game, Paris. In 2024, so son, what was this answer your answer here will be B that is Games Wide Open. Games wide open is the right answer. Clear? Chile okay, next question: let's see. Which of the following country has launched gold coins to tackle the soaring inflation? So, निम्नलिखित में से किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं किसने किए हैं बेटा ये किए हैं जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वे ने

अमित शाह का वो क्या है पोर्टफोलियो क्या है बेटा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ये देखते हैं बेटा ठीक है कमेंट करके बताइए पीयूष गोयल क्या देखते हैं स्मृति ईरानी क्या देखती है ये है मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अभी अभी इनको ये पोर्टफोलियो दिया गया है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का प्लस साथ में बेटा मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ साथ इनका पोर्टफोलियो है विमेन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनका पोर्टफोलियो है किसका स्मृति रानी का हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पोर्टफोलियो क्या है ये है बेटा मिनिस्टर ऑफ ऑफ पब्लिक डिपार्टमेंट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इनका पोर्टफोलियो नरेंद्र मोदी जी का पीयूष गोयल का पोर्टफोलियो क्या है बेटा ये कॉमर्स इंडस्ट्री देखते हैं ये कॉमर्स इंडस्ट्री देखते हैं क्लियर है चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का Clear, care, to you. Care to you. Clear है एक्सिस बैंक सिटी डील वर्थ डैश सो हाल ही में आप हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आयोग ने डैश एक्सिस बैंक सिटी सौदे की मंजूरी दी है कितने की बेटा? करोड़ करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले तीन वर्षो में डैश भागों को खो दिया है तो कितने भागों को खो दिया बेटा आंसर थ्री ट्वेंटी को खो दिया क्लियर है

Who has retained the 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 position as the richest in in India for the second year in a row, according to the third edition of Kotak Private Banking Hurun Leading Women Wealthy Women Women Wealthy list? So ये Private Banking, Hurun Leading Wealth women list में तीसरे संस्करण के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में किसने किसने अपना स्थान बरकरार रखा है तो बेटा किसने रखा है रोशनी नादर मनोहोत्रा ने जो कि एच की क्या है बेटा सीईओ है नेक्स्ट फ्लैग बियर कौन थे हमारे इंडियन कॉन्टीजेंट के फ्लैग बियर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी के कॉमन मतलब ध्वजवाहक कौन थे यहाँ पे पूछा है बेटा ध्वजवाहक मतलब ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर कौन थे तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर कौन थे बेटा एक हमारी पीवी सिंधु थी और एक मनप्रीत सिंह ठीक है ये से हमारे इंडियन कॉन्टीजेंट के ठीक है चलिए इसका आंसर क्या होगा बी होगा पीवी सिंधु नेक्स्ट विटरन आसामीज विटरेन आसामीज विर मैम चेयर पर्सन चेयर पर्सन है रोशनी नादा मल्होत्र यस हाँ ठीक है चलिए सो so, ये बताइए विटरन आसामीज लिटरेर एंड विनर ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड हैज पास अवे रिसेंटली कौन है वो बेटा आंसर यहाँ विल बी सी दैट इज अतुलनंदा गोस्वामी अतुलनंदा गोस्वामी इज दी राइट आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किसने रिलीज किया है एक बुक जो शोकेस करता है सम ऑफ द रेरेस्ट फोटोग्राफ्स आउट गोइंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोंटेयर एरिया में बता चुकी है यहाँ पर एक रिविजन सेशन है ठीक है तो इसका आंसर बताइए फटाफट से आंसर यहाँ पर क्या होगा सी होगा अनुराग ठाकुर एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू के बारे में सुनो ध्यान से सुनो द्रौपदी मुर्मू के बारे में सुनिए ये फिफ्टी प्रेसिडेंट है ये बेटा 15th president है। कौन सा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था हुआ हुआ था। कौन presidential election हुआ था कौन सा बेटा बताइए कौन सा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था ये फिफ्टी हो गया सिक्सटीन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था है ना? ठीक है बेटा साथ ही साथ कौन से ट्राइब से हैं संथल ट्राइब कहा की गवर्नर थी बेटा ये गवर्नर थी ओडिशा की अरे सॉरी झारखंड की कहां की गवर्नर थी ये कहां की गवर्नर थी झारखंड की गवर्नर थी ना हाँ झारखंड झारखंड की गवर्नर बॉर्न कहां पे हुई थी बेटा ओडिशा में ठीक है इन्होंने शपथ कब ली थी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में इन्होंने शपथ ली थी ठीक है ये पहली फर्स्ट ट्राइबल वीमेन है साथ ही साथ ये सेकेंड विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है क्लियर है बताइए क्लियर इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है बॉब राइफल्सन इस हाल ही में निधन हो गया है ठीक है सो हिज टीवी सीरीज द मंकीज मेड हिम विन एन एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग द कॉमेडी सीरीज इन डैश सो बब राफल्सन हाल ही में निधन हो गया इनका सो so, उनकी उनकी टीवी श्रृंखला द मंकीज में उन्होंने उत्कृष्ट हास्य यू नो श्रृंखला you know, के लिए एमी पुरस्कार जीता है सो so, इसका आंसर होगा बेटा किसके लिए आंसर विल बी 1967 के लिए

ऑन दी लाइन ऑफ दी निधि मॉडल ऑफ तेलंगाना तो इसका आंसर बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य ने तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल की दर्ज पर सहकारी क्षेत्र में अपना पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है आंसर यो विल बी वॉट योर आंसर यो विल बी डी दैट इज राजस्थान योर आंसर विल बी राजस्थान क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल रिजर्व पुलिस ऑफ जुलाई टू ठीक सत्ताईस जुलाई को अपना डैश स्थापना दिवस मनाया है कौन सा स्थापना दिवस मनाया है एटी फोर्थ मनाया है नेक्स्ट विटरन आसामीज लिटरेर है और विनर है साहित्य अकादमी अवॉर्ड के इनका हाल ही में निधन हो गया है इनका नाम आप बताइए फटाफट फड़ से मैम आपकी आईज हॉरर सी है आइज कहां हॉरर है बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट फड़ से मेरी आईज हॉरर लग रही है आप लोगों को थैंक यू सो मच मुही बक्शी योर आंसर हियर विल बी सी दैट इज अतुलानंदा गोस्वामी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल ये आई थिंक हमने करवा दिया ना

which day is observed as world hepatitis day world hepatitis day कब मनाया जाता है बताइए फटाफट फड़ से why don't we बोल रहे हैं i love you to किसको भाई किसको किसको इतना प्यार कर रहा हो तुम इतना इतना प्यार मत जताओ किसी को अभी अभी देखो cvet का पेपर होगा रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा तो तब बोलना तब मैं जानूंगी ठीक है अगर अच्छा आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं आया तो फिर देखना तब तो बस i hate you i hate you i hate you निकलेगा है ना हां चलिए फटाफट फड़ से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा योर आंसर हियर विल बी डी दैट इज ट्वेंटी ऑफ जुलाई हाँ हाँ मैम डार्क सर्कल हो गया है बेटा तुम ही लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हो गया क्या करें अब बताओ तो तुम लोगों को पढ़ाएं कि अपना डार्क सर्कल देखिए बताओ क्या करें दो में से एक काम बता दो या पढ़ाएं या डार्क सर्कल देखे बताइए हाँ मैम आप फर्स्ट टीचर हो जिसने मेरा नाम सही बोला है मुही बख्शी बताइए इसका आंसर हो गया ट्वेंटी एट ऑफ जुलाई नेक्स्ट क्वेश्चन द दी सीएम, एम दी सी ऑफ विच स्टेट हैव लॉन्च्ड स्मार्ट ई बीट सिस्टम फॉर पुलिस अटेंडेंस द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय पर्सोनल सो किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने पुलिस की उपस्थिति और कर, और कर्मियों द्वारा दक्षित का वास्तविक समय के निगरानी के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है सो विल बी दी राइट आंसर आंसर विल बी डी। इज हरियाणा हरियाणा इज दी राइट आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है बेटा इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज दी थीम ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे इंटरनेशनल टाइगर डे का थीम क्या है बेटा फटाफट से बताना इंटरनेशनल टाइगर डे का थीम क्या है बताइए फटाफट से बताइएगा इंटरनेशनल टाइगर डे का थीम क्या है बताओ इंटरनेशनल टाइगर डे का थीम क्या है, है? फटाफट से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ठीक है तुम लोग के क्या बोलते हैं तुम लोग के क्या यार क्या बोलने वाले थे तुम के परेशानियों का निवारण <laughs> चलिए इसका आंसर क्या होगा योर आंसर हियर विल बी बी दैट इज इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव टाइगर पॉपुलेशन टू रिवाइव टाइगर पॉपुलेशन सो इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया ने लॉन्च किया है हाँ इंडिया ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव टाइगर पॉपुलेशन टू रिवाइव टाइगर पॉपुलेशन मैम आप कितन कितना पढ़ी हैं ये देखो फिर से मैम आप कितना पढ़ी हैं क्या करोगे जान के जानके? नेक्स्ट क्वेश्चन द राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार इज नेशनल अवार्ड इन विच ऑफ कैटेगरी बताइए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है फटाफट फड़ से आंसर करेगा इसका आंसर क्या होगा क्यों पूछ रहे हो सबा शौखत वाई आर यू आस्किंग वाई आर यू आस्किंग दिस योर आंसर विल बी दैट इज माइनिंग ठीक है राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार इज अ नेशनल अवार्ड गिवेन इन विच कैटेगरी सो इट इज गिवेन इन बेटा माइनिंग सबा तुमने बताया नहीं बेटा क्यों पूछ रहे हो सबा क्या मैं वेट कर रही हूं आंसर का Which of the the following state government have introduced the Chief Minister Breakfast Scheme for primary school students in July? Ye, July 2022। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में प्राथमिक विद्यालय के छात्र के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है तो किसने किया है बेटा ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने ठीक है अच्छा एक चीज यहाँ पर याद रखना फोकस करना नेक्स्ट क्वेश्चन पर पद्मश्री अवार्डिंग है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा पद्मश्री अवार्डी एंड फेमस एज बेंगाल वन रूपी डॉक्टर हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का थीम क्या है कट डाउन ऑन प्लास्टिक कट डाउन ऑन प्लास्टिक इज द राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से खत्म करेंगे ठीक है फोर टाइम फॉर्मूला वन चैंपियन रहे इनका नाम आपको बताना है हु इज द करंटली पार्ट ऑफ द एस्टन मार्टिन अनाउंसड हिज रिटायरमेंट सो इसका आंसर क्या होगा फटाफट -फड़ से बताइएगा आंसर विल बी सेबेस्टियन वेटल आंसर विल बी सेबेस्टियन वेटल नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है ये एकदम तैयार हो चुकी है टू सेट अप एन ऑल्टरनेटिव टू दी पॉपुलर कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सर्विस सो इसका आंसर यहां पर क्या होगा केरला ठीक है केरला uh, की सरकार है ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सर्विस को स्टार्ट करने के लिए ठीक है एग्जाम पोस्टपोन हो गया तुम्हारा बहुत दुख की बात है बेटा एग्जाम हो जाता है फुर्सत रह जाती है ना Which of of the following bank have set up with race goal as part of its plan to among top three PSBs in India? भारत के शीर्ष तीन PSB में शामिल होने की अपनी योजना के तहत race लक्ष्य निर्धारित किया है इसका आंसर फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए कौन सा बैंक है बेटा मैंने आपको बताया था इसका आंसर पर डी होगा दैट इज यूनियन बैंक दैट इज यूनियन बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड के लेचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन आफ्टर लेजेंडरी इंग्लैंड के लेचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर डैश के नाम पर रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है बेटा बताओ फटाफट से बताओ किसके नाम पर रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है आंसर विल बी सी दैट इज सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह इंडिया के फ्लैग बियर है ओपनिंग सेरेमनी के कॉमनवेल्थ uh, गेम्स में तो आपको बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स किस कहां पर हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स टू प्लेस इन विच कंट्री सो कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हो रहा है बेटा यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है

तो ये मनाया जाता है आपका जुलाई ट्वेंटी एट को जुलाई ट्वेंटी एट इज दी राइट आंसर नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है तिरंगा उत्सव ठीक है जो सेलिब्रेट करेगा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगाली विन क्या सो ये जो पिंगाली विन क्या है ये डिजाइनर है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के तो कौन सी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है वन फोर्टी सिक्स एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है

ठीक चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे क्या है, book, earth, we we change, काश हम ज्वालामुखी तूफान जलवायु परिवर्तन भूकंप और बहुत कुछ के बारे में जानते हैं पुस्तक का के लेखक का आपको नाम बताना है तो आंसर यहाँ पर क्या होगा ए होगा एलन प्रागर

जुलाई uh, 2022 के महीने में जीएसटी रेवेन्यू कितना था तो जीएसटी रेवेन्यू हमारा था बेटा क्या है इंडियन एयरफोर्स रिटायर कर देगा अपना एक एम आई जी ट्वेंटी टू से तो आपको बता रहे जो अदर थ्री है अदर थ्री कब स्केड्यूल किया गया है कब आउट किया जाएगा तो अदर थ्री आउट किया जाएगा कब 2025 तक 2025 तक आउट किया जाएगा ठीक है आंसर विल बी ई दैट इज 2025 2025 5 तक आउट किया जाएगा ठीक है बताइए कौन है मैम व्हाई आर यू सो क्यूट मैम आज के लिए बहुत है बेटा बस खत्म होने वाला है ठीक है चलिए बस खत्म होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग वार्शिप कंडक्टेड अ मेरी पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद फ्रेंच वॉरशिप इन नॉर्थ एटलांटिकुलाई ओशन इन जुलाई 2022 सो so, में से किस युद्ध पोत ने जुलाई 2022 के हजार के महासागर युद्ध पोतों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है आंसर यहाँ पर सी होगा आई एन एस तरकश आई एन एस तरकश इज राइट आंसर क्लियर है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बताइए इनमें से कौन सा बेटा टेलीकॉम प्रोवाइडर है जिसने एक्वायर कर लिया है इन दी सेवन हंड्रेड 800 एट हंड्रेड एम एस एड एटीन हंड्रेड एम एस थर्टी थ्री हंड्रेड एम एस एड ट्वेंटी गीगा बैंड इन दी ऑप्शन कंडक्टेड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन ऑगस्ट सो इसका आंसर यहां पर क्या होगा डी होगा दैट इज डिओ जियो जी, जी भर के नेक्स्ट एसवीसी को बैंक एंटर कर दिया है एग्रीमेंट किसके साथ ताकि जो क्रेडिट का फ्लो है ठीक है एमएसएमई सेक्टर्स में इंप्रूव हो सके अगस्त 2022 के लिए तो इसका आंसर यहां पर क्या होगा बेटा सिडबी एग्जाम के एग्जाम में सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था सेबी किसके लिए यूज किया जाता है तो सेबी बेसिकली सिक्योरिटी से के लिए यूज किया जाता है

ठीक है रेड फोर्ट से लेके पार्लियामेंट तक ऑर्गेनाइज किया है क्या बेटा हमारी तिरंगा बाइक रैली ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर बी होगा नेक्स्ट इंडिया ने इंडिया ने लॉन बॉल्स विमेन फोर टीम ने में हिस्ट्री बनाई है और जीत हासिल की है बाई विनिंग दैश कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 थाउजेंड ट्वेंटी ने जीता है क्या बेटा गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है ठीक है गोल्ड मेडल यहां पर जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा सुशीला देवी लिकाम्बम इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में किस स्पोर्ट के लिए है बेटा ये है आपके जूडो के लिए क्लियर चलिए नेक्स्ट विजय कुमार यादव ने जीता है ब्रॉन्स मेडल ठीक है ये किस uh, कैटेगरी में जीता है बेटा जूडो में जीता है किसको अपॉइंट किया गया नया डायरेक्टर जनरल इंडो तबियन बॉर्डर पुलिस फोर्स का और आ, इन प्लेस ऑफ संजय अरोड़ा संजय अरोड़ा की प्लेस पर बेटा डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिबियन पुलिस बॉर्डर किसको चूज किया गया है ये चूज किया गया है बेटा सुजोय लाल थाउसन को ये भी 1988 बैच के ऑफिसर हैं और इनको यहाँ पे चूज किया गया है क्या चूज किया गया है बेटा डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतियन ब यू नो बॉर्डर पुलिस का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया और संजय अरोड़ा ने ही इनको प्रेजेंट किया था क्लियर है चलिए नेक्स्ट हु हैज इनॉग्रेटेड फोर्थ ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 सो so, इसका आंसर यहाँ पर सी होगा हरदीप सिंह पुरी हरदीप सिंह पुरी नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सो so, स्टूडेंट्स uh, यहाँ तक के अभी तक हमारे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं जो 1st ऑफ अगस्त से लेके पूरा 6th ऑफ अगस्त तक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर मैंने करवा दिए हैं आज आपका वीकली करंट अफेयर्स था और वीकली करंट अफेयर्स में बेटा ध्यान से सुनिएगा आज आपका वीकली करंट अफेयर्स था वीकली करंट अफेयर्स में मैंने आपको सारे के सारे फर्स्ट ऑफ अगस्त से 6th ऑफ अगस्त के क्वेश्चंस करवा दिए हैं कल आपका 7th ऑफ अगस्त है और 7th ऑफ अगस्त को सुबह 8:00 बजे 8:00 बजे आपकी क्लास होनी है 8 एम पर आपकी क्लास होगी सुबह आठ बजे एट ए एम पर ठीक है आप सभी को वहां पर आना है सुबह आठ बजे आपकी क्लास होनी है स्टूडेंट्स और आठ बजे सुबह आप आ जाएंगे मेरे साथ हम पढ़ेंगे Uh, जो हमारे अभी तक के आए क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकता है आपके एग्जाम में थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अमेजिंग नॉलेज सेशन लॉर्ड ऑफ यू लव फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच आयोशी थैंक यू सो मच बेटा हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एग्जाम हो गया तब भी तुम आए इतना इतना मुझसे प्यारे तुम्हें हैं चलिए सो स्टूडेंट्स हमारी जो टेस्ट सीरीज है और लॉन्च हो चुकी है अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज किया है यू कैन गो एंड जस्ट परचेज इट साथ ही साथ हमारे लाइव बैचेस हैं वो भी आप परचेज कर लीजिएगा बिकॉज इलेवन टू ट्वेंटी जिनका एग्जाम है वो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं हमारा एक नया बैच है जो कि फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट को स्टार्ट हुआ है ठीक है आप कर सकते हैं और आप कूपन कोड यूज करिएगा कैपिटल वाई फोर फाइव फाइव जो कूपन कोड आपको यहाँ पर बेटा यूज करना है वो कौन सा है कोड जो आपको यूज़ करना है वो कौन सा है वो है और इस ऐप को डाउनलोड करने पर यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ गिव अवेज स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट सब यहाँ पर मिलेगा साथ ही साथ स्टूडेंट सीवीटी आईपी मैट इंदौर हर एग्जाम सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमारा ये जो सेशन होता है वो होता है ठीक है क्लियर है स्टूडेंट्स बताइए कल भी बोर्ड पे कराइएगा मैम इफ पॉसिबल ठीक है कल भी बोर्ड पे कराएंगे ओके आर्यन श्रीवास्तव ओके बेटा मुही बख्शी थैंक यू आर्यन एवरी वन थैंक यू सो मच सो स्टूडेंट्स बस आपका प्यार है जो मुझे आगे यू नो you know, बढ़ाता है और मैं पूरी कोशिश अंदर से करती हूँ कि मैं आपको हंड्रेड परसेंट दूँ अपनी तरफ से आपकी तरफ से भी हंड्रेड परसेंट आना चाहिए ये मेरा, मेरा पूरा विश्वास है आएगा आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और अंडर ट्वेंटी फोर सेवन में जरूर हमसे मिलने आएंगे सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिसशन ऑफ टूडे एक बार धुआधार तरीके से सेशन को लाइक कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स पेयर्स में और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर द सेशन ऑफ टूडे एंड लव यू गाइज और ऐसे ही आप अपना प्यार मुझे बनाए रखिए मैं आप पे बनाए रखूंगी और ऐसे ही कार्य बनता चला जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स जय हिंद लव यू ऑल